धमाका गैस लीकेज से हुआ, इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को पेश। सूबाई वजीरा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह का जाएं हादसा का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। सईद गनी का कहना है धमाके की मुकम्मल तहकीकात होंगी, मुतासरीन को मुतबादल जगह फराहम करेंगे। वजीर आला सिंध ने आईजी और सीनियर पुलिस अफसरों को छुट्टी पर जाने से रोक दिया। मुराद अली शाह से आईजी और दीगर अफसरों की मुलाकात, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और बाद की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा पुलिस आजादाना काम करे, मोराल कम नहीं होने देंगे। ट्वेंटी फोर न्यूज की बंदिश के 52वें दिन एक और इंतहाई इकदाम, हुकूमत और चेयरमैन पैमरा ने 24 न्यूज को सैटेलाइट से भी बंद करा दिया। सैकड़ों कारकुनों का रोजगार छीनने की मजमूम हुकूमती कोशिश, सहाफती तंजीमों का 24 न्यूज के नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। रेडियो पाकिस्तान के फारिग किए गए मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। इस्लामाबाद में हर तरफ मुलाजमीन का रेडियो हेड ऑफिस से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। डीजी रेडियो को ओहदे से हटाने और मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज।